तो आज हमारे सामने बहुत बुरी खबर है रसिया से, जिसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है आफ्टर आर्कटिक ऑयल स्पिल। एक्चुअली है क्या कि आर्कटिक जो रिवर बेसिन है वो रसिया के नॉर्दर्न साइबेरिया को पानी प्रोवाइड कर रहा है। तो उस लोकेशन पे, उस एरिया पे 20,000 टन से भी ज़्यादा का डीजल स्पिल हो गया, जिसकी वजह से आप ये नदी देख सकते हैं, जिसकी वजह से जिसका पानी पहले तो इस तरह था पर अभी ये है। गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट एजेंसीज की माने अगर तो 8 से 10 साल लगने की बात कही है इसको साफ करने में। तो 8 से 10 साल लगने से आप समझ सकते हैं कि इसका आंकड़ा कितना बड़ा है, लॉस कितने बड़े लेवल पे है। तो अगर हम ये कहें तो सबसे बड़ी चीज़ कि लॉस होगा कितना, बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ इसको साफ करने में। वो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर हुआ वो अलग से, आपके सामने वो टैंक है जिसकी मूवमेंट या जिसके अनस्टेबिलिटी की वजह से ये लीक होती है, यहाँ से डीजल लीक होता है और वो पानी में जाता है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे कई सारे लॉसेज हुए हैं जिसकी बात हम करेंगे अपने इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको चलते हैं उस लोकेशन में, यानी रसिया, जहाँ की ये घटना है। तो देखिए ऊपर वाला भाग जो कि रसिया का है, और क्लियर करें अगर तो रसिया, देखिए यहाँ पे नोरिल्स्क जो कि वहीं का शहर है, नियरेस्ट शहर, उस नदी का नाम आगे मिलेगा। यहाँ पे रसिया, यहाँ पे मॉस्को जो कि कैपिटल है। तीसरे स्लाइड पे आप देखेंगे ये रसिया है, यहाँ पे नोरिल्स्क है और ये है अंबरनाया रिवर जिस पे ये पानी जाता है। अगर आपको हम अच्छे से आप देखें अगर इस मैप में कि ऊपर साइड कारा सी अगर दिख रहा हो, तो कारा सी की अगर बात, कारा सी जहाँ से कई सारी नदियों का आने का सोर्स है, ये कारा से यहाँ से कई सारी नदियाँ आती हैं, उसी में से एक है अंबरनाया रिवर जिसको इमेज के माध्यम से आपने पहले ही देख लिया, तो जो कि जिसमें डीजल स्प्रेड हुआ। अगर हम बात करें कि सिर्फ लॉस अगर डॉलर्स की होती है या कि कुछ डॉलर्स की बात है, लेकिन यहाँ पे कितनी स्पेसीज की डेथ होगी वो अलग से, जो कि ह्यूज इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर माना जा रहा है वो अलग से। इसको और क्लियर करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ जिसकी घटना ये है, जैसी घटना ये हुई है, देखिए आप। और उसके बाद बात करते हैं रीजन्स की, कि किन कारणों की वजह से इतनी बड़ी घटना आखिर घटी कैसे। रसिया का मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया आज हम कहने पे मजबूर हो रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली अगर बात करें तो नॉरल्स जो कि बहुत ही प्यारा शहर था। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई। अगर हम बात करें इस घटना की, ऑयल का एक्सट्रैक्शन हुआ, तो सिर्फ बात ये नहीं है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन हुआ, तो ऑयल एक्सट्रैक्शन के अलावा भी कई सारी कंपनियाँ हैं यहाँ पर, जैसे निकल या कॉपर की फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अब बात करें हम उन रीजन्स की, कि सवाल ये उठता है कि भाई किन कारणों की वजह से ये हो चुका है, इतनी बड़ी घटना घट चुकी। तो पहला कारण अगर हम बात करें तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, जिसको कि फंड मिलता है रशियन सेंट्रल की तरफ से कि वो ऑयल टैंक का मैनेजमेंट करे, वो रिपेयर करे टाइम पे, जिसको बहुत पहले ही बदल जाना चाहिए था, वो टैंकर बदला ही नहीं गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ज़मीन के अंदर बर्मा फोज था उसको भी नहीं बदला गया, वो धीरे धीरे पिघल रहा था, जिसकी वजह से जो ऑयल टैंक था वो थोड़ा सा मूव हुआ और अनस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ से लीक होना शुरू हो गया। वहाँ की लेबर्स की माने तो यही कहना है उनका, तो यहाँ पे इसकी वजह से भी इसका जो ऑयल लीक हुआ ये वजह है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी फंड मिलता है, लेकिन वहाँ की अगर रिपोर्टर्स की माने हम और एजेंसीज की माने तो उनका ये कहना है कि जो इस कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, जो मिडिल लेवल ऑफिसर्स हैं, तो इन्हीं के बीच वो पैसा रह जाता है और यही खा लेते हैं, जिससे कि कंपनी की जो मैनेजमेंट या रिपेयरिंग में कोई काम नहीं करता। अगर यानी कि ये कहें कि करप्शन लेवल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, करप्शन की बात आती है तो करप्शन 2019 का अभी जो इंडेक्स आया करप्शन का, तो उसमें 198 कंट्रीज़ में 137वां नंबर है रसिया का। आप देख सकते हैं कितना बड़े लेवल पे करप्शन यहाँ पे होता है। और थोड़ी सी बात करते हैं इंडिया की भी, तो 198 में ही इंडिया की 80 होती है, जो कि सुधारी गई है कुछ 3 या 4 स्टेप्स पीछे हुआ, तो ये इंडिया के लिए अच्छा है। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा 137 मायने रखता है, तो इसको रसिया को ध्यान में रखना होगा ये बातें। तो यहाँ पे सबसे करप्शन, अगर आगे बात करें कि पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता कि पब्लिक हेल्थ
यहाँ पे क्या सूटेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक टैग मिला है इस नोएल शहर को कि मोस्ट डिप्रेसिंग सिटी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जहाँ पे ऐसा वातावरण हो, जैसा जहाँ का इन्वायरमेंट ही इस तरह हो जो धूल धुएँ और पॉल्यूशन से भरा हो, वहाँ डिप्रेसिंग ही होगा ह्यूमन बींग के लिए। क्या है वहाँ पर, तो वो डिप्रेस्ड ही होगी। दूसरी बात, अच्छा अगर एक बात मैं बताना भूल गया कि जो अम्बरनाया रिवर है उसकी जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है। ये फैला हुआ उसी भाग में है, 60 किलोमीटर। तो ये बड़े लेवल पे है। और देखें अगर इमेज के माध्यम से आपको साफ समझ आ रहा है कि ये बैरिकेड्स लगाया गया जिसके कारण से जो डीजल है वो कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेगा। उसके लिए यहाँ पर रोकथाम के लिए कुछ यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पर फोर्स लगा दी गई है ताकि कोई शैतानी तत्व या कोई असामाजिक तत्व या कुछ भी हार्म ना पहुंचा पाए, या कि माचिस या कुछ भी आग लगा सकता है इसमें। तो उसके लिए फोर्स वगैरह सारी चीज़ें लगा दी गई हैं अभी से ही। और ये सैटेलाइट के माध्यम से ये ली गई इमेज है। अब देखें कि यहाँ पे ये नदियों की ये दो धाराएं, देखें यहाँ पे किस तरह रेड कलर का पूरा हो गया है डीजल के थ्रू। तो ये, और जब ये पूछा गया वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, तो उन्होंने उनका रिएक्शन था एकदम सॉफ्ट कि वो खुद बोले, उन्होंने बोला कि मैं खुद शॉक्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि ये कैसे हो गया। तो हमें ये सब चीज़ों को सोचना होगा, रशिया को ये सब चीज़ों को सोचना होगा कि एक दो दशक या कुछ दशकों में ऐसा क्या हो जाता है कि हमने ऐसा क्या किया हुआ है और क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है कि हम आज मोस्ट पॉपुलेटेड, दुनिया में मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में आ रहे हैं, देशों में आ रहे हैं। तो वो अपना रैंक सुधारें और आगे बात करें तो इन सब चीज़ों से हमें सीख लेने की ज़रूरत जो है तो वो ये है कि दुनिया में कहीं भी जहाँ ये काम हो रहा है ऑयल एक्सट्रैक्शन का, या जो भी जो कंपनीज हैं इस तरह की, तो उन पे अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो हाई पेनल्टी, और एक सर्कुलर जारी हो इनके लिए, एक जो फोर्सफुली कुछ रूल्स हैं इनके लिए जिनका पालन, जिनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो, और एडिशनल जो पेनल्टी लगे वो बहुत ही ज़रूरी है। शायद यही कुछ कारण है जो रोके जा सकते हैं, और बाकी गवर्नमेंट बेहतर जानती है इन सब चीज़ों के बारे में तो वो बेहतर कर पाएगी। तो आई होप सब अच्छा होगा। और आगे तो मैं इन्हीं से अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और शेयर कर सकते हैं जानकारी अगर अच्छी लगे, और आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि और क्या बेहतर स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो मैं क्यूरियस हूँ आपके राय के लिए, आप ज़रूर दें। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।